इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा सोमवार को बांका पहुंची। यहां पर कटोरिया के मनिया पंचायत में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की कई योजनाओं के काम को देखा है। खासतौर पर मनिया में चांदी की मछली जो हर घर में बनाई जाती है, इसकी बारीकियों को समझा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, अब होगी चांदी की मछली की ब्रांडिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का कारवां बांका पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनिया गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण किया, एक एक चीज को बारीकी से देखा परखा। इस दौरान वित्त मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा, मुख्य सचिव डीजीपी भी मौजूद रहे। बांका के मनिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही विकास कार्यों का निरीक्षण करते रहे। इसके बाद पैदल ही चांदी से मछली बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात करने पहुंचे। तस्वीरें देखिए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने चांदी की मछली बनाने वाले कारीगरों से बात की, चांदी की मछली बनाने का पूरा प्रोसेस जाना और दिलासा दिलाया कि आने वाले दिनों में चांदी की मछली की ब्रांडिंग कराई जाएगी। इतना ही नहीं, इसके लिए हाईटेक स्तर की मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। और यहाँ पर हम बहुत प्रभावित रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा उपयोगिता है, तो इसलिए आज हमको लेकर के आया दिखाने के लिए। तब देखिए ना कितना बढ़िया से सब काम कर रहा है, एक एक चीज है, सबकी आमदनी कितनी बढ़ रही है, सब जगह जाता है, सब जगह जाता है। हम तो कहे हुए हैं ना भाई, एक ही आप देखते हैं ना, कृषि रोड मैप जो शुरू किए तो शुरू में हम क्या कह दिए कि दुनिया के हर लोगों को हर घर तक कोई ना कोई बिहार का ही चीज खाने को मिले। मनिया में चांदी की मछली बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तालाब का निरीक्षण किया। तालाब में जीरे छोड़े गए, जीविका दीदियों से मुलाकात की, गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ई रिक्शा और पी रिक्शा की सौगात दी। मनिया गांव से मुख्यमंत्री करझौसा पहुंचे, जहां तरस अग्र परियोजना में रेशम उत्पादन को लेकर चल रहे गतिविधियों को जाना। चलिए बात करेंगे जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है, ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए अनुभव